हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गगन जोशी अपने नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वो वाला वीडियो जो आधा रह गया था शादी का। तो शादी का पार्ट टू मैं आज दिखा रहा हूं आपको। कल मेरी एनिवर्सरी थी तो मैं आज इसको अपलोड कर रहा हूं। कल वाला वीडियो लंबा हो गया था, मैं चाह रहा था कि मैं मतलब संडे को डालूंगा, संडे के ब्लॉग में डालूंगा, लेकिन यार संडे का ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाता, मुझे मतलब अपलोड करने में दिक्कत आती, मेरे नेट में प्रॉब्लम आती, तो मैं इसको दो पार्ट में डाल रहा हूं। संडे का ब्लॉग बिल्कुल अलग जो डेली ब्लॉग है, और साथ में ये जो मेरी शादी का है जो रिसेप्शन पार्टी का है जब दुल्हन घर आ गई थी वो वाला अलग। क्यों दिखा रहा हूं यार, 12 साल पहले का वीडियो मैं आपको, ये तो समझिए कुछ तो बात होगी। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट वाला तो देख लीजिएगा, और जिन्हें देखा उनको धन्यवाद करता हूं दोस्तों। और 12 साल पहले वो लोग जो इस वीडियो में थे वो कैसे दिखते थे वो आप देख सकते हैं। बहुत ही मतलब मासूम से दिख रहे थे सब लोग यार, बहुत मजा आ रहा था देखने में सबको। और आज की वीडियो में क्या मस्त है, क्या बात है, क्या मतलब खतरनाक बात है जो 12 साल पहले जो मैंने कर दिया, जो कर दिखाया लोगों को, समाज में, समाज के खिलाफ मैं चले गया था, मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, तो क्या था आखिर, ऐसा क्या कर दिया हमने, तो ये आप जरूर देखिए इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अब दिखा रहा हूँ आपको जो आज से 12 साल पहले हमारे रिसेप्शन पार्टी हुई थी मेरी शादी की, वो पार्टी दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको जो कल का वीडियो है वो अच्छा लगा मेरी शादी का, तो आप ये पार्टी भी देख सकते हैं। पार्टी में क्या क्या हुआ था, कैसी मस्ती थी, मतलब मैंने वो काम किया हम लोगों ने, मतलब मेरे अपनी फैमिली के सपोर्ट से जो आज लोग करने से डरते हैं वो हमने 12 साल पहले करके दिखाया, वो भी अपनी फैमिली के सपोर्ट से। तो क्या था वो, एक मतलब जो होता ना कि मतलब जो भी था मतलब बड़ा खतरनाक था, आप वीडियो में देखिए आपको मजा आ जाएगा देखने में। तो दोस्तों ये देखिए कल की वीडियो जो थी वहाँ से हम इसको आगे लगा रहे हैं अपनी शादी की। ये देखिए अब ये जो है हम दुल्हन लेके पहुँच चुके हैं, नीलम और मैं मतलब यहाँ पहुँच चुके हैं हल्द्वानी अपने घर, और डायरेक्ट देहरादून से यहाँ पहुँच गए। तो ये देखिए अब यहाँ से शुरू करते हैं और रिसेप्शन पार्टी तक पूरा आपको दिखाते हैं क्या क्या हुआ था हमारी शादी में 12 साल पहले। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबके पाँव छूने हैं, सब लोग यहाँ हमारे ऊपर, ये देखिए यहाँ पर चावल वावल और सब छिड़क रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं सबको याद करता हूँ आने के बाद, और मैं कहता हूँ वो भाभी बैठी हैं सामने हमारी, पड़ोसी पड़ोसी भाभी कह रहा हूँ, उनको बुलाओ जैसे आप लोग कर रहे हैं वो भी करेंगी। तो वो सामने हमारी जो शीला भाभी हैं वो भी आएंगी अभी, पड़ोसी भाभी जाओ बल कांतपाल ताई जी कह रही हैं पड़ोसी भाभी जाओ। ये देखो, और प्रफुल्ल मुझे देख के चौंक गया था जो हमारे पड़ोस में सामने रहता है, वो बहुत छोटा था बच्चा प्यारा सा। मैं कह रहा हूँ सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, एक साथ कह दिया सबको अब यहाँ पे हो रही है अंदर एंट्री, ये देखिए दरवाजे से अंदर, और यहाँ पे खड़ी है दीदी, अंदर नहीं आने देगी जब तक पैसे नहीं देंगे इसको भी। 5000 रुपये दिए थे मैंने इसको, 5000 रुपये दीदी को उस समय उस टाइम के। ये देखो ये अब लगा दिए निशान नीलम ने घर पे अपने हाथ के निशान, ये देखो ये ऐसे रीति रिवाज है हमारे उत्तराखंड के। तो जब अंदर आते हैं तो ऐसे दिल्ली में और सब जगह दरवाजे में ऐसे हाथ के निशान लगाते हैं अपने। मिठाई खिला दी, अब दीदी मिठाई खिला रही है दीदी को, पैसे देखो मैं दे रहा हूँ हाथ में है मेरे पैसे। ये अंदर को एंट्री कर रही है, अब सीधे जाएंगे हम मंदिर वाले कमरे में। अब आ गए दोस्तों हम मंदिर में, और ये देखिए यहाँ पर हो रही है पूजा पाठ। यहाँ भी देखिए हमारे ऊपर से ये पानी और ये घुमा रहे हैं, ये देखिए अब ये देखिए दिया दिए की आरती घुमा रहे हैं, आरती का मतलब जो थाली वो घुमा रहे हैं। वो मदंदा बैठे हैं पीछे देखो, हाँ यहाँ पे ये हमारे दोस्त हैं मदंदा, ये बैठे हैं देखिए। ये देखिए ये मेरी मंजू दीदी हैं, ये खिला रही हैं हमें अभी मिठाई और दही। ये देखिए मिठाई दही खिलाई जाती है, खीर है दही है, दही खिलाई जाती है देखिए जब घर पहुँचते हैं। अब यहाँ पे कंगन खोला जा रहा है ये देखिए, और यहाँ पे कह रहे हैं जो मुकुट खोलता है उसको 500 का नोट देते हैं कह रहे हैं। देखो अब ये मुकुट खुल गया देखिए मेरे सिर से, अब नीलम के सिर से मुकुट खोलेंगे। ये देखिए नई नई दुल्हन आई है डांस कर रही है, दीदी को देखो ये 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 दीदी है, ये मेरी दीदी है, इतना डांस कर रही है भयंकर वाला ये। और ये भाभी हैं और ये नीलम है, तो ये थोड़ा थोड़ा डांस कर रही है। ये देखिए सब लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी बहन है गंगा, ये ताई जी हैं, ये अम्मा हैं चौबे अम्मा, ये मामी हैं, तो ये बहुत लोग दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए पुराने, ये 12 साल पहले कैसे दिखते हैं सब लोग वो दिख रहे हैं सब जने। मम्मी बड़ा सपोर्ट कर रही है, कह रही इसकी हालत ख़राब हो रही है। ये मंजू दीदी आ गई देखो डांस करने के लिए, मौसी की लड़की, और यहाँ पे ढोलक बज रहा है, ये भाभी बजा रही होंगी देखना वही फार्म वाली भाभी। ये देखिए मिश्रा भाभी हमारी, ये देखिए ये भाभी हैं हमारी आशा भाभी, अब आप देखोगे इनको पहचान नहीं पाओगे, इतनी मोटी हो गई ना, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हैं। ये देखो मौसी और हमारी दीदी ये डांस कर रहे हैं,
आप हो गए हैं यहाँ पे रिसेप्शन की तैयारी। हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन में। यहाँ पे देखिए ये हेम है और मेरे दोस्तों पीछे आ रहे हैं। ये ममता है इधर कोने पे, यहाँ पे ये मेरे सामने पढ़ती थी ममता, तो ये भी आई थी। ये देखिए रिसेप्शन में, ये देखिए ये है ममता, इसने नीलम को थोड़ा तैयार किया था यहाँ पे। अब बैठ गए हम लोग यहाँ पे, ये देखिए रिसेप्शन वाली जो कुर्सी होती है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठते हैं। अब पापा जी मम्मी आ गए हैं आशीर्वाद देने के लिए, ये देखिए। ये देखो ये भाई साहब हैं और ये भाई साहब के दोस्त हैं लोहनी जी, बड़े भाई साहब हमारे। ये दिशा आ गई और इधर से ये दिशा है, ये वैष्णवी है, ये यहाँ मेघा वो आ गई बिन्नू। ये देखिए ये मेरी ताई जी हैं और ये मेरे भाई साहब हैं बड़े भाई साहब, और ये जीजा जी हैं, ये देखिए दीदी हैं ये लोग, और यहाँ पे बुआ है मेरी। ये देखो ये दीदी है, दीदी की देवरानी है, दीदी की सासू माँ है, ये देखिए ये भी आ गए आशीर्वाद देने। ये देखिए ये हैं मेरी मौसी और मौसा जी, ये आ गए आशीर्वाद देने। ये देखिए यहाँ पे मेरे भाई साहब हैं उमेश शर्मा जी हैं, यहाँ पे मेरे दोस्त लोग आ गए हैं, ये हमारे डीओ सर हैं LIC के नीरज सर, ये हेम, ये प्रकाश दा, ये देखिए बमेटा जी आ गए हमारे, ये भी सर हैं, और ये बबलू भैया हमारे बुआ गढ़ के, ये भाभी, ये बमेटा जी हैं, ये मुकेश दा हैं, और ये दयाल कांडपाल जी हमारे मित्र, ये लोग आए हैं सब। ममता और उसके हस्बैंड, ममता भी हमारी बहन है, उनके हस्बैंड हैं। ये देखिए ये हमारे फैमिली के मेम्बर, ये हमारे ताऊ जी के लड़के हैं हमारे बड़े भाई साहब, और ये हमारे जीजा जी हैं, ये ताऊ जी हैं हमारे, ये भाई साहब हैं यहाँ पे हरीश भाई साहब, देखो कोने में। ये हमारी दीदी हैं, ये भी दीदी हैं, ये दीदी हैं, ये बुआ आई हैं देखिए यहाँ पे, ये पीछे मदनदा, देखो मदनदा बुला रहे हैं सबको ऊपर, आ जाओ कह रहे हैं। ये हमारी भाभी के मम्मी पापा हैं, ये देखिए ये आए हैं आशीर्वाद देने। और यहाँ पे ये गंगा है हमारी बहन, और ये देखिए अब शुरू हो गया है डांस, ये देखिए सब जने डांस कर रहे हैं मजे से। ये देखो ये सीटी हो जाने वाला कौन है, ये बालम ये देखो मैं कह रहा हूँ इधर आओ कैमरे की तरफ को, मैं कह रहा हूँ इधर आ जाओ यार, ये कैसे कर रहे हैं ये मुकेश दा। फिर बैठ गए हम लोग, देखिए हमने डांस किया फिर बैठ गए। ये ममता है, ये बैठी है, ये है मेरे मामा जी, ये हैं सुनीता दीदी मेरी दीदी की जो सहेली हैं, बहुत खास दीदी है हमारी ये, और ये कमला दीदी हैं दिल्ली रहती हैं मौसी की लड़की, और ये सुनीता दी का लड़का है, ये देखिए नवोदय में पढ़ता है अभी इस समय। ये भाई साहब, दोनों भाई साहब आ गए मेरे, बड़े भाई साहब और दीदी मेरी। दिशा को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, देखो दिशा को कितना मज़ा आ रहा है, खुश है वो बिल्कुल, चाचा की शादी हो गई और मैं एक बात और बताता हूँ आपको कि हमारी जो मैरिज थी वो लव मैरिज थी और वो इंटरकास्ट थी। मेरे जो ससुराली हैं वो हैं क्षत्रिय ठाकुर मतलब, और हम हैं पंडित। तो बहुत बवाल हुआ था बीच में, उस समय थोड़ी नाराज़गी सी हो गई थी, बहुत देर बाद हमारी शादी, मतलब जब घर वालों को पता चला उसके 1.5 साल रुकने के बाद शादी हुई। मेरे पापा जी मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट करा इस मामले में, और फिर मेरे रिश्तेदार आए, उनने कुछ रिश्तेदारों ने आके भड़का दिया मम्मी पापा जी को, उसके बाद फिर दोबारा बड़ी मुश्किल से माने, और फिर उसके बाद मतलब बहुत सपोर्ट करा कुल मिला के पापा जी मम्मी ने हमें। उस समय मतलब आज से 12 साल पहले इंटरकास्ट मैरिज करी थी मैंने, कितनी मतलब कितनी बड़ी टक्कर ली थी समाज से ये भी देखो ना, और हम दोनों ने और मतलब हमारे परिवार ने भी टक्कर ली एक तरह से, क्योंकि समाज के उस समय मतलब अलग ही टाइप का था। आज तो सब लोग कर लेते हैं इंटर मैरिज, लेकिन उस समय कुछ अलग ही स्थिति थी। तो घर वालों ने मुझे बहुत अच्छा हम लोगों को सपोर्ट करा, तो हमारी बारात गई और बारात जाके वापस आई, हमने पूरी शादी विधिवत करी जैसे मतलब नॉर्मली होती है वैसे। यह है मेरा दोस्त हरीश, और यहाँ पे देखिए भाई साहब भी आ गए डांस करने के लिए, और दीदी और भाई साहब भी डांस कर रहे हैं, और यहाँ पे मम्मी आ गई फोटो खिंचाने यहाँ पे आप बैठने के लिए हमारे साथ। और यहाँ पे हो गया देखिए खाना शुरू रात को, ये देखिए उधर डांस चल ही रहा है साइड में, ये देखिए ये जगदीश भाई साहब हैं, वो प्रकाश दा थे पहले, ये गणेश सती है, मेरे आँखों में काजल लगा रखा क्या, ये देखिए ये आ गया हेम, ये दीदी खिला रही है, सब लोग खिला रहे हैं देखिए, ये ये ममता खिला रही है, ये देखिए यहाँ पे आ गया देखिए हेम मेरा दोस्त,
और ये देखिए कैसे खिला रहा अपनी भाभी को, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये सतीशदा हैं हमारे भाई साहब, ये देखिए ये भी खिला रहे हैं। ये देखिए कपिल जी हैं हमारे, आनंद कपिल जी, ये देखिए ये पिला रहे हैं पानी। ये यहाँ पे नीलम मुझे खिला रही है अब यहाँ पे, और फिर अब मैं नीलम को खिलाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे मैं पूरा मिक्स कर रहा हूँ, देखो सही से बढ़िया करके, ऐसे नहीं खिलाता हूँ मैं हल्का उल्का, देखो पूरा मिक्स करके खिला रहा हूँ। ये देखिए ये देखिए सब दोस्त लोग खा रहे हैं साथ में बैठ के, बड़े भाई लोग, दोस्त लोग। और यहाँ पे देखिए बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था, यहाँ पे सब लोग खा रहे थे ना साथ में। ये मेरा भांजा है प्रमोद, अभी आर्मी में है, ये दूर खड़ा था अकेले, मतलब साइड में खड़ा था, मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ, फोटो खींचा साइड में, यहाँ पे अभी अपनी मामी को खिला रहा है। ये देखिए इंडियन आर्मी में है ये। ये मेरा बुआ का लड़का आनंद, ये देख क्या स्मार्ट लग रहा है आनंद, ये देखिए। तो अब हो गया रिसेप्शन फाइनल। तो दोस्तों ये थी मेरी शादी की कहानी, और मैंने भी समाज से 12 साल पहले टक्कर ले ली थी अपने घर वालों के सपोर्ट से। तो दोस्तों अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।